करेंगे इस वक्त की अहम खबर का, जो कि मिर्जापुर से है। बता दें कि मिर्जापुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। जिगना इलाके में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने चार सड़क किनारे पटरी पर फूल लाद रहे लोगों को रौंद दिया है, जिससे चार की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि यह दर्दनाक हादसा थाने के पास महज चंद कदम की दूरी पर हुआ है। तो तेज रफ्तार स्कॉर्पियो का कहर देखने को मिला है। सड़क किनारे खड़े 10 लोगों को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने कुचल दिया है। चार की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि इस हादसे की वजह से छह लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जिगना इलाके में यह हादसा हुआ है, तो कातिल कार ने कोहराम मचाया है और इस कोहराम की वजह से आपको बताने की जो कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सड़क किनारे खड़े थे 10 लोग, जिन लोगों को इस कातिल कार ने कुचल दिया है। तो चार की मौके पर ही मौत हो चुकी है और छह गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे अपने संवाददाता जयप्रकाश का। जयप्रकाश, इस हादसे में चार लोगों की मौत की खबर है और वहीं कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। फिलहाल घायलों की स्थिति कैसी है? जी मैं बता दूं आपको, घायलों की हालत नाजुक है, जिसमें से एक जा रहा था, जिसके मृतकों की संख्या चार से बढ़कर पांच हो गई है बताया जा रहा है, और तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। तनाव पूरा बना हुआ है, ग्रामीण पूरे चक्का जाम कर दिए गए हैं। जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि डीएम यहाँ आए। जी जयप्रकाश, अगर बात करें जिन लोगों की मौत हुई है, चार लोगों की मौत हुई है हादसे की वजह से, क्या ये चारों एक ही परिवार से ताल्लुक रखते थे? नहीं नहीं, अलग अलग परिवार से थे। असल में ऑटो खराब हो गया था, उसी को धक्का और तेज रफ्तार से आ रहे थे स्कॉर्पियो, उसने पीछे से उसको धक्के हुए आगे बढ़ गया, और फिर इसके बाद ड्राइवर और गाड़ी हिरासत में है, और सभी अलग अलग परिवार से है। कुछ ऑटो चालक, कुछ फूल का बिजनेस करते हैं, इलाहाबाद ले जाते हैं फूल के, वो लोग। जी चलिए जयप्रकाश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो जिगना इलाके में यह हादसा हुआ है, कातिल कार ने कोहराम मचाया, तेज रफ्तार स्कॉर्पियो का कहर देखने को मिला है मिर्जापुर में।